बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपके सामने कंप्यूटर लर्निंग के हवाले से एक लेसन पेश करने जा रहे हैं। ये लेसन पेश कर रहे हैं हमारे लेक्चरार हैं आज के जनाब मोहम्मद नदीम साहब, और उनका जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के हवाले से है, इनपुट एंड इट्स यूज़। तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। आज का हमारा टॉपिक है जी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, और ये एक किसी ऐसे पर्सन को समझाना है जो नहीं जानता इस चीज़ के मतलब। और इस डेफिनेशन में सबसे खास बात यह है कि आपने कोई भी लफ्ज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने बताना है कि होता क्या है इनपुट और प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है जी, आज इनपुट की मिसाल हम स्टार्ट करेंगे जी एग्जाम्पल के साथ। हमारा बेटा खड़ा हो, मुझे अपने पेज में से 30 नंबर पेज निकाल के दो, 30 नंबर पेज। ये हम परफॉर्म कर रहे हैं जी इनपुट की एग्जांपल, इसी में प्रोसेस भी होगा और आउटपुट की एग्जांपल भी होगी जी। ये देखिए जी, बच्चे ने ये एक्शन परफॉर्म किया है, 30 पेज नंबर निकाल के दिया बच्चे ने। इसमें इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट क्या चीज है, ये दोबारा रिपीट करें। चलो बेटा, ये किताब में से मुझे 30 पेज नंबर निकाल के दो। अब इसमें हम समझाएंगे कि आपको इनपुट क्या चीज है। जब मैंने बेटे को बच्चे को कॉल किया ना स्टूडेंट को कि मुझे 30 पेज नंबर निकाल के दो, ये कमांड थी इनपुट की, जो किसी अननोन पर्सन को समझाने के लिए कि कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है, इनपुट कैसे कहते हैं। इनपुट वो अमल है जिससे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ दाखिल करते हैं। अब इसी तरह मैंने बच्चे को कॉल की, जो कॉल करने का अमल था वो क्या था जी, इनपुट। आप कोई बता सकता है इसमें प्रोसेस क्या था, बच्चा कोई भी जी बताइएगा। सर जो इसने पेज खोला और आपको ला कर दिया, वो खोलने का अमल क्या था इसका, प्रोसेस। वो क्या था, प्रोसेस। प्रोसेस। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि 30 पेज नंबर निकाल के दो, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी 30 पेज नंबर, वो मुझे मिल गया। ये क्या है जी, आउटपुट है। ये मेरे लिए क्या जी, आउटपुट है। शाबाश, बैठ जाओ। अब ये थी इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट, एक आसान लफ्जों में कि जो आपने किसी भी अननोन पर्सन को समझानी है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की एग्जांपल। और इसके सामने वो डायग्राम भी बनी हुई जिसमें वो दिखाया हुआ है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का अमल। अब इमाम बेटा दिखाएगा जी हमें पंखा चला, और इसमें बताएगा कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की एग्जांपल कौन सी थी, खुद बताएगा। तो फॉर्म का बटन दबा, ये इनपुट पक्के तक बिजली को जी को प्रोसेस और तो फिर हमारा दी आउटपुट। ठीक है, बटन दबाना इनपुट, उसका प्रोसेस मोटर का घुमाना प्रोसेस, और हवा का आना आउटपुट। ये था जी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के मतलब आज का हमारा टॉपिक। ये इनपुट में क्या क्या चीज शामिल है जी, इसमें स्कैनर, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल पेन और जॉयस्टिक। स्कैनर, कीबोर्ड, बारकोड रीडर। हाँ जी, बारकोड रीडर और ऑप्टिकल पेन। और ये बहुत दोनों चीजें लिखी हैं, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकती हैं, और आउटपुट के तौर पे। आउटपुट में क्या क्या चीजें शामिल है, हेडफोन, प्लॉटर, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और स्पीकर। और स्पीकर, ये आउटपुट है। और ये जो चीजें दरमियान में, डिजिटल कैमरा, ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकती है, इनपुट भी और आउटपुट। टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फैक्स, मॉडम और वेबसाइट, वेबकॉम। इनपुट किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं सर? एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट जी। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और आउटपुट, आउटपुट इज द रिजल्ट
आउटपुट इज अ रिजल्ट। इसकी एग्जांपल जी और एक देगा जी स्टूडेंट्स, दो भी कॉटन की और क्लॉथ की। इसमें कॉटन क्या चीज है, वो कैसे इनपुट होती है? कॉटन, कॉटन का जब धागा बनेगा वो प्रोसेस होगा, उस वक्त तो कौन सी चीज है इनपुट है? इनपुट की दूसरी शक्ल कौन सी है? डेटा, जिसे कहते हैं। उस वक्त रॉ फैक्टर्स का कोई खास मकसद नहीं है। जब उसका धागा बना दिया जाता है, धागा कई काम के लिए इस्तेमाल होता है। जब धागे का कपड़ा बनता है तो वो धागा कपड़ा आउटपुट होता है, आउटपुट होता है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जो मशीन चीज होती है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। ऐसा जी था जी आज का टॉपिक, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट।